गाइस, तो कुछ टाइम पहले एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है नीट यूजी 2023 के लिए, वो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो अपन इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या शेड्यूल है और स्टेट वाइज जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एमबीबीएस एबीडीएस के लिए, तो वो जरूर देखें इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है एमसीसी की वेबसाइट पे, वो 20 तारीख से लेके 25 जुलाई तक ये आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे। और पेमेंट आप लास्ट पेमेंट आप 8 तारीख मतलब 25 तारीख को रात 8 बजे तक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरीफिकेशन है ये 20 तारीख से 21 तारीख तक ये वेरीफिकेशन की जाएगी एनएमसी द्वारा, मतलब कितने सीट से एमसीट मैट्रिक्स वगैरह वो सब एनएमसी द्वारा वेरीफाई की जाएगी, ठीक है। ये तो है। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है, मतलब रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने के बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है, वो 22 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में ये आपको चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको करनी है कब, 26 तारीख को रात 11:55 तक आपको चॉइस लॉगिंग करनी है। मतलब चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना होता है। चॉइस लॉक अगर चॉइस फिलिंग करके आपको चॉइस लॉक नहीं कर रहा है तो वो नहीं माना जाता है, ठीक है। उसके बाद दो दिन का टाइम आपको लग जाएगा सीट अलॉटमेंट लेटर में। उसके बाद फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 29 जुलाई को आएगा। फिर एनसीसी के पोर्टल पर आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है, 30 तारीख को। फिर रिपोर्टिंग करनी है इंस्टीट्यूट में जाकर 31 से लेकर 4 अगस्त तक, ठीक है। और उसके बाद वेरिफिकेशन जो डेटा है वो एमसीसी द्वारा 5 से 6 तारीख तक ये वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद हम अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, फिर वही 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए 10 से 15 तारीख के बीच का टाइम दिया गया, और चॉइस लॉकिंग आपकी जो 15 तारीख को रात 11:55 तक आप कर सकते हैं लॉक। फिर इसके जो अलॉटमेंट प्रोसेस है ये सेकेंड राउंड के लिए ये 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में कभी भी अलॉटमेंट सीट जो अलॉट है वो अलॉट की जाएगी, और जो रिजल्ट है 18 अगस्त को रिजल्ट शो किया जाएगा एमसीसी के वेबसाइट में। और सेम रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त, 8 दिन का टाइम दिया गया, 9 दिन का टाइम दिया गया। इसके बीच में आप यहाँ पे जो जो भी आपको कॉलेज अलर्ट होगा, इंस्टीट्यूट अलर्ट होगा, वहाँ पर जाके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर थर्ड राउंड या मॉक राउंड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह रजिस्ट्रेशन का टाइम 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर का तक का टाइम दिया गया। वही सेम चॉइस लॉकिंग या चॉइस फिलिंग के लिए इतना टाइम दिया गया, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और रिजल्ट आएगा 8 सितंबर को, और रिपोर्टिंग कर सकते हैं 10 से लेकर 18 सितंबर के बीच। इसके बाद आप बात करें एसटी वैकेंसी राउंड में, एसटी वैकेंसी राउंड में बहुत ही कम सीट बचती है, मतलब ये कॉलेज लेवल पर होता है। तो यहाँ पे आप 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और चॉइस लॉकिंग के लिए यहाँ पे 22 सितंबर से 24 सितंबर तक चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका रिजल्ट आएगा 26 सितंबर को। फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है 27 सितंबर से 30 सितंबर तक। अब बात आती है कि सर बहुत सारे लोग मुझे मैसेज आ रहा है जैसे एमपी स्टेट से कि एमपी स्टेट की काउंसलिंग अभी स्टार्ट होगी, तो एमसीसी की जो ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसको कुछ दिन बाद जो अपने पर्टिकुलर जो आपके स्टेट है वो भी काउंसलिंग स्टार्ट कर देती है। तो अगर हम एमपी की बात करें तो आप ये मान के चलना कि एंड ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इस टाइम पे आपकी जो एमपी स्टेट की काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन जो एमपी डीएमए है यूजी, आप ये वेबसाइट लगातार आप जांच करते मतलब चेक करते रहना, कभी भी इसके ऊपर शेड्यूल आ सकता है। तो और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रहना ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो हमारे इंस्टाग्राम है उसमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।